बर्मा के सिक्योरिटी हुकाम ने रमजान के आगाज के साथ ही रोहिंग्या के मुसलमानों के खिलाफ नया क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। राखनी में रोहिंग्या मुसलमानों को बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा है। 2012 के बाद आने वाले चौथे रमजान में भी रोहिंग्या के 12 लाख मुसलमान तरावीह और दीगर इबादात की अदायगी से महरूम हैं। इस साल भी रमजान शुरू होने से कबल हुक्काम ने वार्निंग दी थी कि तरावीह के लिए जमा होने की इजाजत नहीं होगी। रमजान में कैंपों के अंदर और बाहर किसी भी जगह पर रोहिंग्या मुसलमानों के एक साथ जमा होने पर सख्त पाबंदी आयद है। तरावीह और इज्तमाई अफतारी की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी मकान या चंद अफराद के जमा होने की सूरत में सिक्योरिटी हुकाम घरों में दाखिल होकर मर्द और औरतों को गिरफ्तार करके गाड़ियों में डालकर ले जाते हैं। रोहिंग्या के मुतल्लिक खबरें शाये करने वाली अरब वेबसाइट के मुताबिक रमजान के पहले हफ्ते के दौरान गिरफ्तार शुदगान की तादाद 6000 से जायद है, जिनमें मर्दों के साथ औरतें भी शामिल हैं। गिरफ्तार शुदगान में 1000 अफराद लापता हैं। हुकाम ने रोहिंग्या पर होने वाले मजालिम की खबरें बैरूनी दुनिया तक पहुंचने न देने के लिए ज़राए अबलाग पर सख्त पाबंदी आयद कर दी है। ज्यादा अफसोसनाक अमर ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तारियों के अलावा म्यांमार हुकूमत की मंजूर नजर दहशतगर्द तंजीम मैक के कारिंदे रोहिंग्या मुसलमानों के बच्चों को उठाकर कैंपों में ले जाते हैं, इन पर सख्त तशद्दुद करते हैं और इनकी रिहाई के लिए वालदेन से तावान का मुतालबा करते हैं। इस नई सूरत हाल ने रोहिंग्या में खौफ और बेचैनी और अदम तहफ्फुज़ की एक नई लहर दौड़ाई है, जिसके बायस राखनी की दारुल हुकूमत के मजाफात में मुतासरीन के कैंपों में 80,000 के लगभग रोहिंग्या पनाह गुजीन सख्त ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं और इन्हें रमजान में शदीद खौफो हरास और अदम तहफ्फुज़ का सामना है। अल जज़ीरा के मुताबिक इधर म्यांमार हुकूमत ने राखनी में एक फार्म तकसीम किया है। फार्म में दिए जाने वाले सवालात में रोहिंग्या का असल वतन, इनकी म्यांमार आमद की तारीख और इस जैसे तासुबाना और गैर इंसानी सवालात हैं, जिनके पुर करने की सूरत में रोहिंग्या मुसलमान बगैर समझे गैर मुल्की करार दिलवाए जाएंगे। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इस फार्म को रोहिंग्या के शहरी हुकूक की खिलाफ वर्जी और इन्हें जबरदस्ती मुल्क से बाहर करने की मुहिम करार दी है। रोहिंग्या के हुकूक के लिए सरगर्म तंजीमों ने रोहिंग्या मुसलमानों से अपील की है कि वो फार्म पुर न करें। इस अपील पर अमल करने की वजह से म्यांमार सिक्योरिटी हुकाम ने रोहिंग्या पर अरसा हयात तंग कर दिया है। रमजान जैसे मुकद्दस महीने का एहतराम न करना और इस माह में भी मजलूम मुसलमानों की हालत ज़ार को मजीद अबतर बनाना इंसानियत दुश्मनी की बदतरीन मिसालें हैं। बर्मा के बुद्ध मत के पुजारी हर एहसास से आरी होकर मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं, लेकिन दिन रात इंसानी हुकूक का ढंडोरा पीटने वाले आलमी इदारे खामोश तमाशाई बने इस वहशी खेल का तमाशा देख रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि बर्मा के इन मजलूम और मजबूर मुसलमानों की इमदाद के साथ साथ इनकी तकालीफ और इन पर होने वाले मजालिम को खत्म करने के लिए अमली इकदाम किए जाएं। विसाल उर्दू हक का राही।